हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन लैंटर्न के टीवी शो की डेवलपमेंट के बारे में, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो क्या है वो डिटेल, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इस ग्रीन लैंटर्न की वेब सीरीज को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने वेब सीरीज कहा और जी हाँ, ग्रीन लैंटर्न का ये शो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। बेसिकली देखा जाए तो इन दिनों स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा बैटल चल रही है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो हॉलीवुड में पूरी तरीके से थिएटर्स को बायकॉट करने का सिस्टम ही स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे इसका असर हमें दिख भी रहा है, क्योंकि एक तरफ नेटफ्लिक्स ने काफी ज्यादा जोर लगा रखा है और नो डाउट आज की तारीख में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अगर कोई वेबसाइट सबसे ज्यादा फेमस है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स ही है। और हो सकता है कि डिज्नी प्लस उसका रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि डिज्नी के पास काफी सारे कंटेंट भरे बड़े है, लेकिन नेटफ्लिक्स भी पीछे नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर भी हमें काफी सारी अच्छी अच्छी फिल्में देखने मिलती है और शोज भी। उसके बाद एप्पल टीवी प्लस, जिसके पास कंटेंट फिलहाल तो अभी ना के बराबर है, और इसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अब HBO की तरफ से भी एक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोला जा रहा है, जिसका नाम है HBO Max, जिस पर हमें DC के यूनिवर्स के सारे कंटेंट देखने मिलेंगे जिन्हें हमने इसके पहले DC के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखा है। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो HBO Max खुल जाने की वजह से कहीं ना कहीं DC की स्ट्रीमिंग सर्विस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस पर काफी अच्छे अच्छे शोज आने वाले हैं, जिनमें से एक शो ग्रीन लैंटर्न का भी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और शोज की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिनमें नाम निकल कर आता है DC की ही कॉमिक बुक स्ट्रेंज एडवेंचर का, और इस शो की स्टोरी लिखने के लिए ग्रेट बर्लेंटी को ही हायर किया गया है, जिन्होंने इसके पहले पूरे के पूरे एरोवर्स की स्टोरी लिखी है, और हाँ, ग्रीन लैंटर्न फिल्म की भी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अब फिर से उन्हें मौका दिया गया है कि वो अपनी इन गलतियों को सुधारे, क्योंकि स्ट्रेंज एडवेंचर्स के अलावा उन्हें ग्रीन लैंटर्न के शो की भी स्टोरी लिखने दी गई है, जिस पर उन्होंने एक ही बात कंफर्म की कि इस शो में हम स्पेस में जाएंगे। इससे ज्यादा डिटेल रिवील नहीं की गई, और ये भी कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या ये शो DCEU के यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्टेड रहेगा भी या नहीं, क्योंकि इसके पहले ग्रीन लैंटर्न को लेकर एक फिल्म बनाने की काफी सालों से रूमर निकल कर आई थी, जिस पर काम जेफ जॉन करने वाले थे, बट अब HBO की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि मुझे लगता है अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर को शो से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है तो नो डाउट इसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाने के बाद इस पर एक फिल्म भी बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी के लिए ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर पर एक फिल्म बनाना एक मेजर रिस्क हो सकता है, इसलिए उसकी पहली शुरुआत एक शो से ही होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि एरोवर्स के यूनिवर्स में जिस तरीके के VFX हम देखते आए हैं उसी तरीके के VFX हमें ग्रीन लैंटर्न के शो में भी देखने मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रीन लैंटर्न का शो हैवी CGI इन्वॉल्व्ड है, जिसे बनाने के लिए अच्छे खासे बजट भी चाहिए, और इस शो में भी वैसा ही होगा। यानी अगर आपको कुछ एग्जांपल चाहिए तो MCU के शोज को ही ले लीजिए, जिनका बजट काफी ज्यादा हाई है और उनके कम एपिसोड रखे जाएंगे, और वैसा ही कुछ ग्रीन लैंटर्न के इस टीवी शो के साथ भी होने वाला है। और जिस तरीके के कंटेंट हम HBO पर देख रहे हैं वॉचमैन जैसे शो के, उससे मेरी हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाती है इस शो को लेकर। बट अनफॉर्चुनेटली ये शो हमें कब तक देखने मिलेगा उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, सिवाय इसके कि HBO Max की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को मई के महीने में खोला जाएगा और उस पर इसके अलावा और भी काफी सारे कंटेंट आने वाले है। वेल, तो अब आपकी क्या राय है ग्रीन लैंटर्न के शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।